प्रति दिन के मुताबिक श्री महाराज जी हम सत्संग का अनुक्रम करते बोधयंता परस्परम हम बैठते तो माध्यम रामचरित मानस को भी और माध्यम श्रीमद् भगवद गीता का, तो आधा घंटा के लिए हम लोग बैठते। किंतु आज हमारा सुकृत है कि सब पुरुष संत पुरुष बिना निमंत्रण, हम तो ये सोचते हैं कि ये हनुमान जी महाराज ही मानो प्रत्यक्ष रूप से आज राम कथा में विराजमान है, इसलिए बोलो ये संत भगवान की जय। और अपने सत्संग को आरंभ करें इससे पूर्व वाणी की पवित्रता और मन की एकाग्रता के लिए दो मिनट के लिए भगवान नाम श्री राम जय राम जय जय राम। Thank you.
कली पावनावताई श्रीमन सिंह वो स्वामी तुलसीदास जी बाबा श्रीमद रामचरित मानस के वंदना अनुक्रम में देवता दानव यक्ष किन्नर संत यहां तक दुष्ट सबके श्री चरणों में बाबा बने और सूत्र ऐसा कहता है कि जब हम वंदन करते हैं तो इष्ट का हृदय बंधन में आ जाता है और वैसे भी व्यावहारिक दशा में जब हम घड़ा छोड़ते ना घड़े को बांध देते उसके गले को और जल में छोड़ना हो कुएं में डालना हो तो क्या करेंगे फिर वो खड़ा का घड़ा रहता जब तक झुके ना तब तक उसमें जल आने की संभावना हमारी संस्कृति विद्या ददाति विनय यदि आप में विद्या है तो विनम्रता आएगी एक सुभाषित ऐसा भी है कि विद्या विनयेन शोभते विनम्रता हो तो विद्या शोभायमान होती है लेकिन जब आप में विद्या आ जाएगी ना तो विनम्रता अनायास आ जाएगी हनुमान जी बल बुद्धि विद्या हनुमान जी के पास क्या क्या है बल है बुद्धि है विद्या बुद्धि न्यारी चीज है और विद्या और बिलक चीज है बुद्धिमान विद्यावान होता ऐसा नहीं इसलिए हमारे हनुमान जी बुद्धिमान भी है और विद्यावान चातुर माने बुद्धिमान भी है और राम काज करी देखो आतुर तो आस्थावान भी तो जिनके पास में विद्या होती है वे झुकते हैं और इसका प्रमाण सुंदर कांड में जामवंत जी के द्वारा प्रेरित हुए हनुमान जी जब राम कार्य के लिए उड़ान भरते हैं तो बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई अस कही नाही सबनी कहो करना है स्वागत में उसका सब वंदन करे अभिनंदन करे महाराज जी जाइए आपको बहुत बड़ा कार्य करना है उसका उत्साह वर्धन करेगा हुआ उल्टा हनुमान जी स्वयं सबके चरणों में झुके अस कही नाही सबनी 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 कहो जो झुकेगा वह शब्द इसलिए हमारे यहाँ प्रणाम की जो परंपरा है ना दोनों हाथ जोड़े जाते माता जी का तद्विधि प्रणीता यह हाथ क्रिया शक्ति है माथा बुद्धि शक्ति मानो हमारी क्रिया और ये बुद्धि हम आपके श्री चरणों में अब थोड़ा आविष्कार कोई एक हाथ से प्रणाम करता कोई खड़े से प्रणाम करता कोई बाया हाथ से प्रणाम करता कोई तो पैर तक जाता ही नहीं घुटने को ही कर देता
क्योंकि उसको पता है तुम्हारा दिमाग घुटने में ही है, उसको नीचे भगवान नहीं दिखते। ये प्रणाम का आविष्कार वर्तमान में, किंतु प्रणाम नमस्कार एक आविष्कार नहीं है। जब तक हमारा मन ना झुकेगा, जब तक हमारा दिल नहीं झुकेगा, सिर्फ नमाज पढ़ने से इबादत अदा नहीं होती, सिर्फ नमाज पढ़ने से इबादत अदा नहीं होती, दिल भी झुकना चाहिए इबादत के लिए। जब हमारा दिल झुक जाएगा, किसी के विषय में चलना, आविष्कार स्वरूप प्रणाम कर लेना एक औपचारिकता हो जाएगी। अच्छा है कि आपने औपचारिकता लिखा, अच्छा है। तुम मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा तो तब अस कहीं नाही सबनी कहू माता चले धरी रघुना। चले कैसे हर्षित होते, हालांकि असमंजस में जाना चाहिए। कोई समुद्र को पार नहीं कर पा रहा, 400 कोस का समुद्र है, सबने अपना अपना बल का अनुमान करके थक गए। यहां तक कि जामवान जी भी कह रहे हैं कि भाई जब त्रिविक्रम भयो घरारी तब तो हमने उभय भई महदिनी सात प्रदीक्षण भाई। जब भगवान वामन विराट बन गए तब हमने दो घड़ी में ही सात प्रदक्षिणा दे दी थी। तो जामवान जी अब तो छोटा सा है, ये सौ योजन का उल्लंघन कर जाओ तो बोले अब हमें ताकत नहीं है। अंगद कही जाओ मैं पार, पर जी संशय कछु फिरति पार। हो गया। फिर हनुमान जी के मन में भी अंदेशा होना चाहिए था, सब जब मना कर रहे हैं तो हमसे ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। और अंदेशावान व्यक्ति हर्ष में नहीं उड़ेगा, हर्ष में उत्क्रमण नहीं करेगा। या बाबा जी कहे अस कही ना ये सब नहीं कहूं माता। अरे सबके चरणों में यदि प्रणाम किया, देखो प्रणाम का एक साइकोलॉजी का है, जिसके चरणों में आप झुक जाते, राम जी भी झुकते हैं, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु, क्यों श्री चरणों में झुक। जब जिसके चरणों में हम झुकते हैं, थोड़ा झुके रहना, तुरंत मत झुके रहोगे ना तो उसकी जो ऊर्जा है उन्हें पता भी नहीं चलेगा और हमने गमन करना शुरू कर दिया। एक साइकोलॉजी, एक टेली में औपचारिक करोगे तो मजा नहीं आएगा। जब आप झुकोगे, माथे पे सिर रख के ऐसे बैठ जाओगे, वो कहेगा उठो 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 उठो, और प्रेम मगन कहीं उठो घन भावा। जब ऐसा हो जाएगा तो ये पीली पैती है कि उसकी ऊर्जा आप में संग्रहित हो जाएगी। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने सभी जितने वानर थे, ऐसे नहीं कि कोई ज्येष्ठों के चरणों में प्रणाम किया, श्रेष्ठों के चरणों में, अस कही नाई सबनी कहूं माता, और सबकी ऊर्जा जब मिली इसलिए चले हर धरी। अरे रघुनाथ को हृदय में धारण करना तो हनुमान जी का स्वभाव, किंतु ऊर्जा कहां से प्राप्त हुई, सबके चरणों में वंदन करने से ऊर्जा प्राप्त हुई, यानी एक विज्ञान। तो हनुमान जी महाराज, ये क्या नाम, तुलसीदास जी बाबा इतने छोटे हो रहे, संतों के चरणों में प्रणाम हो यहां तक थी, किंतु दुष्ट चरणों में भी बहुरी बंदी खलगन सतीबाय, यहां तक कि बंदौ किन्नर रजनी चर कृपा करहु अवसर। मेरा सब परमात्मा सबके भीतर चेतन रूप से रममान हो रहा है, यहां कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, बल्कि ईश्वर सर्वभूतानां प्रत्येषु अर्जुन तिष्ठति, सबके भीतर मेरा परमात्मा। और परमात्मा को हटाकर ये देखो तो ये शव है, और शिव के कारण सुंदरम लग रहा है, हालांकि सत्यम नाम की चेतना इसके भीतर है जिसका नाम शिव है,
और इसी के कारण ये सुंदर लग रहा है। यदि कारण में वहन होता तो हम सुंदर नहीं होते। जब इसमें का कारण विदा हो जाता है, देख ले, हालांकि विदा नहीं होता, पर विदा जब हो जाता है तो लोग कहते अब रखो नहीं, इसकी दुर्गंध छुटने लग जाएगी, अब इसको जल्दी से घर में से बाहर हटाओ। क्यों? कारण स्वरूप का ही जो दर्शन करता है। देखो वेदों में सम्मुत ब्रह्म और असम्मुत ब्रह्म की व्याख्या की है। असम्मुत दिखाई नहीं देता, किंतु सम्मुत भी, इसलिए मूर्तंच अमूर्तंच ईशोपनिषद में आया है, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यः, वो सबके भीतर भी है और सबके बाहर, तद एजति चलता भी है, अब जो चलता है तो कौन है, ये चल रहे सारे वे, तो वे ही तो चल रहे, पैर यद्यपि तुम्हारे हो प्रकृति के हो, लेकिन चल कौन रहा। अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं, अपानी पादो जन्मो गृहीत्वा पश्चत् अचक्षु स श्रुणोति अकरणा। चेतना को कान कहाँ है लेकिन सुन रहा, चेतना को आंख कहाँ है लेकिन सुन रही। अब उसको चेतना कहो या परमात्मा कहो, आत्मा कहो, आपकी जो इच्छा हो कहो, नहीं कहो तो बहुत अच्छा है, प्यार को प्यारी ही रहने दो, कोई नाम न दो तो बहुत अच्छा है, पर यदि तुम परमात्मा भी कहो तो कोई हर्जा नहीं, और आत्मा भी कहो तो कोई हर्जा नहीं, किंतु आत्मा कहने से थोड़ा मुश्किल होता है सर्व सामान्य के लिए। इसलिए सिय राम मैं सब जग जानि, करहु प्रणाम जो गंगाम। तो बाबा वंदना के क्रम में सबको वंदन कर रहे हैं, क्यों क्यों कर रहे हैं, हमने इसके पहले बताया, बड़े से बोलो। हाँ विद्यमान है, आगे झुकने से प्रमाण क्या है, घड़ा, घड़ा जब तक झुकेगा नहीं तब तक उसमें कुछ आने की संभावना नहीं, और जितने झुके रहोगे तो क्या होगा, उठने की देरी मत करना, झुके रहना, उतनी ही मात्रा में उनकी ऊर्जा आप में अनुगमन करने लगी, अनुप्रावेश, उनका अनुप्रवेश आप में होने लगे। इसलिए आप देखना संत पुरुष अपने चरणों को हाथ नहीं लगा, भले वो आपके चरण छू ले लेकिन वे नहीं छूने गए। और काश हमको याद है महाराज जी, अपने जो बक्सर वाले मामा जी थे, एक बार उनका दर्शन हुआ, मिलना हो गया तो हम उनके श्री चरणों में दंडवत किए, तो बाबा स्वयं इतनी बड़ी हस्ती वो भी दंडवत करने लगे। दंडवत का जवाब दंडवत में देते, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, कहां इतने बड़े महापुरुष उनके दर्शन हुए, लेकिन उसका जवाब भी उनका भाव वे जाने, कहने का मतलब इतना ही है कि परमात्मा कम न अधिक सर्वत्र सब दूर भरा रहने के कारण तुम परमात्मा को प्रणाम करो, और यही कारण है कि तुलसीदास जी बाबा कहते कि वे कहां तक कहे, आकर चारी लाख चौरासी, आकर चारी खानी है, हाँ तो 484,000 है कहते खानी, जाति जीव जल थल नभवासी, ये कहाँ कहाँ है इनकी जाति, ये जीव है जल थल नभवासी, जैसे अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद ये आकर होते चार तरह। तो बाबा कहते सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तो बाबा से पूछा गया कि प्रणाम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो तुलसीदास जी बाबा स्पष्ट रूप से कहते मैं सबके चरणों में प्रणाम क्यों कर रहा हूं, कारण क्या है, तो बाबा ने लिख दिया, निज बुद्धि बल भरोसा होइ नाहि, निज बुद्धि बल
तुलसीदास जी बाबा से पूछा गया, आप सबके चरणों में प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो बाबा ने क्या कहा, सबसे आशीर्वाद गुरु जाने जी की। ठीक, तो तुलसीदास जी बाबा से पूछा, अरे सब में यदि भगवान है तो तुम में नहीं है? बात को सही है ना पति, सब में है, तुम तुम्हारे ही प्रणाम कर लो आशीर्वाद। तो बोले ये बात विशिष्टाद्वैत में न बैठने वाली है। ये बात भले ही शंकराचार्य के अद्वैत में बैठे, द्वैताद्वैत में बैठे, किंतु विशिष्टाद्वैत तो यही कहता है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी, ये सारा सचराचर मेरे भगवान का स्वरूप है, मैं उनका सेवक हूं, सेवक सेव्य भाव भवन तरी मुदगा। तो बोले आप तो सब भगवान, किंतु मैं तो भगवान का दास हूं, मैं तो सेवक हूं, इसलिए आप सब भगवान को हमारा प्रणाम। तो बाबा कहेंगे निज बुद्धि बल भरोसा मुहि नाही, ताते विनय करहुं सब पाई। क्योंकि मुझे जो राम कथा लिखनी है ये कोई सामान्य नहीं, सब नहीं लिखा, शतकोटि प्रेमी विश्व रामायण शतकोटि अपार, करोड़ों करोड़ों लोगों ने, साहित्यकारों ने रामायण लिखे, ऋषि मुनीश्वर ने लिखे, तो हमें कोई स्पर्धा में उतरना है ये भी बात नहीं है, कोई हमारी रामायण को बहुत ज्यादा सम्मान नहीं ये भी बात नहीं है, किंतु कैसा लिखा, बड़े बड़े मनीषियों ने जो पची पची हारे लिख ली, इतना बड़ा कार्य हमसे कैसा होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये बात सत्य है, क्या तुलसीदास जी को बुद्धि नहीं है? आपका क्या मानना है, तुलसीदास जी झूठ कह रहे हैं या सत कह रहे हैं? निज बुद्धि बल भरोसा मोहि नाही, हमारा अपने बुद्धि पे कोई भरोसा, लिखने तो बैठे, ये तो काम बुद्धि का है, और कहते हमारे बुद्धि का हम पे कोई भरोसा नहीं है। बात सच्ची है या गलत है? गलत है तो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि हम में कोई ताकत है ही नहीं, पर सच्ची है ये भी नहीं लगता कि तुलसीदास जी बाबा जो कह रहे हैं हकीकत में सत्य है। तो सत्य नहीं ना झूठ नहीं तो है क्या मामला? मामला यही है कि संत जो होता है निरंतर वर्तमान में जीता है, मैं बुद्धिमान हूं ये वर्तमान दिखते हुए भी वर्तमान में है, अतीत का भूतकाल का परीक्षण है, मैं बुद्धिमान हूं ये अतीत का भूतकाल का परीक्षण के मुताबिक तू वर्तमान में उसे डाल, और वर्तमान देखो, देखो भविष्य और आगे आने वाला, गया भूत आने वाला भविष्य, जो वर्तमान है भविष्य, वर्तमान के धरातल पे भविष्य की सोचेगा, और भूतकाल जो हुआ है उसके मुताबिक सोचता है, किंतु वर्तमान में नहीं, हो तो तुम न स्त्री हो ना पुरुष, वर्तमान हाल में क्या बता, तुम कहीं कुछ नहीं, वर्तमान में ना समय है, तो वर्तमान में तुम्हारी सिद्धि नहीं होगी, तुम है कहे तक भूतकाल में जाना है, मैं हूं जो हूं कहा तब तक वह भूतकाल में चला गया, वर्तमान परम निर्मल होता है, तो संत हमेशा वर्तमान में जीता है। ठीक है कि हमने बुद्धिमानी बातें की, अब कहा ठीक है कि हमारी बुद्धिमत्ता साबित होगी भविष्य, अभी का तो संत निरंतर अपने शून्यावस्था में होते, अथवा संत कुछ नहीं होते, जो होता है ठाकुर जी जो कराए वही होता है, इसलिए संत निरंतर अपनी अवस्था में होते। तो बाबा सत्य कह रहे निज बुद्धि बल भरोसा मोहि नाही, तुम्हें मेरे राम जी से प्रणाम करना, मेरे राम जी कहाँ हैं?
सबके भीतर बैठे मेरे श्री राम जी को मैं प्रणाम करके, किसी व्यक्ति को नहीं मांग रहा, मेरे राम जी को ही मांग रहा हूँ कि निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते बिनय करहूँ सब पाई, करन चाहूँ रघुपति गुण गाह, लघुमति मोरी चरित चाहिए अभी जग जुड़ी न चाची, छोटा भी दाग बड़े से दिखाई दे। संतों का जीवन इतना उज्जवल होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मति बड़ी नीच, अभी भी निरंतर भगवत भजन में, भगवत भाव में ठीक ही। यही कारण है कबीर कहते कि जब मैं दूसरे का बुरा जो देखन में गया तो बुरा नहीं मिलिया कोई, और जो तन देखा अपना तो मुझे साथ। क्योंकि उजले वस्त्र में थोड़ा भी काली माँ प्रखर स्वरूप से ध्यान देने लगी, और काली माँ क्या है, भगवत भाव से एक क्षण के लिए भी वंचित रहना ये काला दाग। तो इसलिए बाबा कह दे रहे में मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमी अजग जुरही न छाछी। मैं तो अमृत की आशा कर रहा हूं और अभी तो छाछ की भी आशा नहीं, छाछ भी नहीं मेरे पास, तो छाछ है और चाह रहा हूं अमृत, राम कथा ये अमृत। तो बाबा कहते छमी है सज्जन मोरी ढिठाई, सुनि है बाल बचन मंग जाई, भाग छूट अभिलाष बड़ कर हुए कभी विश्वास, मेरा भाग्य कैसा है ये मुझे खबर नहीं, किंतु मेरी अभिलाषा बहुत बड़ी है, मुझे राम कथा लिखनी है, किंतु एक ही विश्वास है, पय ही सुख सुनि सुजन सब खल करी है। मुझे लगता है कि मैं जो लिखूंगा तो दुष्टों की संपास,
किंतु सुजन लोग इसका बड़ा आदर भी करके मुझे आशीर्वाद देंगे। और यही मन में विश्वास रखकर मैं लिखने का मन में विचार ले रहा हूँ, दृढ़ संकल्प ले रहा हूँ, और आगे बाबा जी क्या कहते हैं इसको हम आगे देखते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय।